आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ सेक्शन टू अ गेम ऑफ चेस अ गेम ऑफ़ चेस पढ़ने से पहले प्लीज़ आप इसके दोनों प्रीवियस पार्ट देखिए जिसमें एपीग्राफ और सेक्शन वन को मेंशन किया गया आप इस वीडियो को और अच्छे से समझ पाएंगे पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो में क्या है फिर हम इम्पॉर्टेंट आर्टिस भी डिस्कस करेंगे ये सेक्शन फोकस करता है दो अपोजिट सीन्स पर वन ऑफ द हाई सोसाइटी वन ऑफ द लोअर सोसाइटी द फर्स्ट हाफ ऑफ़ द सेक्शन पोर्ट्रेज अ दी हाईली ग्रूम्ड क्वीन काइंड ऑफ वूमे सराउंडेड बाय लग्जरीज फर्निशिंग्स एंड शी वेट्स फॉर अ लवर एंड हर डे एक्चुअली culminates with plans for an exertion or a game of chess and the second part of the scene shifts to a bar room a so-called lower-class bar of a london where two women discuss a third woman between the bartenders repeated calls of hurry up प्लीज इट इज़ टाइम ये लाइन्स इस सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर अप प्लीज इट इज़ टाइम और ये आपको आर टी सीज में भी आ सकती हैं इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और क्या लिखा जाए वो मैं आपको इस वीडियो के फर्दर पार्ट में बताती हूँ यहाँ लिखी हुई ब्लू लाइन्स देखी मैं इसकी फर्स्ट टू लाइन्स पढ़ रही हूँ द चेयर शी सेट इज लाइक अ बर्निश थ्रॉन ग्लोड ऑन द मार्बल वेयर द ग्लास हेल्ड अप बाई स्टैंडर्ड्स रॉट विथ फ्रूट वाइन्स A game of chess opens with a description of a woman, a queen-like woman, Cleopatra kind of, sitting inside an expensive, luxurious room. The burnished throne uh, mentioned ge, jo yahan par di line a reference to Shakespeare's Antony and Cleopatra which heightens the queen-like sense of the room and the speaker is describing that the lady sitting over there is not less than a queen.

फिलोमेला फ़िलोमेला की स्टोरी आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे फिलोमेला एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जिसको एक नाइटिंगेल में कन्वर्ट कर दिया गया था आफ्टर शी वॉज रेप बाय हर ब्रदर इन लॉ सो इन द ग्रीक मिथ रीटोल्ड इन ओविड्स मेटामॉर्फिस ओविड के द्वारा लिखी गई मेटामॉर्फिस में फिलोमेला की स्टोरी का मैंशन है फिलोमेला वॉज रेप बाय हर ब्रदर इन लॉ टेरियस एंड द गॉड्स टू पिटी ऑन हर एंड शी वॉज टर्न इन टू नाइटिंगेल तो फिलोमेला की इमेज दिखाकर कहीं ना कहीं डोमिनेटेड फीमेल की इमेज को दिखाया गया है इस पोएट्री में यहां पर लिखी हुई इन लाइन्स को देखिए अब सो so रूडली forced, yet दी नाइटिंग फिल्ड ऑल दी डेजर्ट विद इन वॉयलेबल वॉइस एंड स्टिल शी क्राइड still स्टिल द वर्ल्ड परस्यूज जग जग टू इन शब्दों को समझने के लिए मिथ ऑफ फिलोमोला को समझना और डिटेल में बहुत ज्यादा जरूरी है। The myth of Philomela, which is featured in the poetic metamorphoses by Ovid around the time of Christ, tells the story of Philomela, who was raped by her sister's husband, King Tereus. He then cut out her tongue so that she would not tell anything to her sister. But वो manage कर लेती है किसी तरीके से अपनी sister को बताना एक टेपेस्ट्री पर इस स्टोरी को एक पिक्चर की फॉर्म में रिवील कर देती है तो द सिस्टर कम्स टू नो दैट माय सिस्टर वाज रेप और ये दोनों मिलकर टेरियस के सन को कुक कुक करके उसी को खिला देते हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ द किंग आफ्टर टेरियस फाउंड आउट वॉट हैज़ हैपन फिलोमला एस्केप्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग इन टू अटिंग गेल विच इज हैंडी ट्रिक वेन यू आर इन अ बाइंड एंड एज दीज लाइन सजेस्ट वी कैन स्टिल हीयर फिल्म वॉइस इन दी सॉन्ग्स ऑफ नाइटिंगेल्स तो ये लाइन्स जो लिखी हुई सजेस्ट करती हैं कि हर नाइटिंगेल की फॉर्म में कहीं ना कहीं फ़िल्मओला की आवाज़ आज भी आती है बट बिकॉज़ वी डू नॉट स्टडी क्लासिकल स्टोरीज एनी मोर द सॉन्ग जस्ट साउंडस लाइक जग जग टू डर्टी ईयर्स तो हम लोग आजकल इन क्लासिकल स्टोरीज़ को नहीं जानते हैं तो ये फ़िल्म वाला की आवाज़ ना लगकर हमें सिर्फ एक जग जग की आवाज़ लगती है तो यहाँ पर मैंशन किया है दीज काइंड ऑफ साउंड्स सीम्स जस्ट लाइक जग जग टू डर्टी ईयर्स दैट इज़ द अनएजुकेटेड द इग्नोर्ड ईयर्स Now I'm reading these lines When Lil's husband got demobbed I said I didn't mince my words I said to her myself Hurry up please it's time now Albert's coming back make yourself a bit smart he will want to know what you have done with that money he gave you to get yourself some teeth hit it I was there तो ये लाइंस एक कॉन्वर्सेशन शो करती हैं एक लो क्लास बार में दो फीमेल्स के बीच में वन वेमेन इज एक्सप्लेनिंग हाउ शी टोल्ड वन ऑफ आर फ्रेंड लिल टू मेक हर सेल्फ़ लुक गुड बिकॉज हर हजबेंड वॉज कमिंग बैक दी वॉर। तो दो फीमेल्स डिस्कस करें किसी थर्ड फीमेल को एंड हर नेम इज़ प्रोबेबली लिल इंस्टेड ऑफ सेंग गो गेट योर सेल्फ अस वेमेन टेल्सर फ्रेंड गो गेट सम नाइस टीथ सो मे बी उस फीमेल के टीथ में कुछ प्रॉब्लम है उसकी अपियरेंस में कुछ प्रॉब्लम है शी डज नॉट वॉन्ट टू गेट ग्रूम शी जस्ट वॉन्ट टू रेजिवनेट हर यूथ शी देस अ काइंड ऑफ बेटर ट्रूथ एंड अगली ट्रू दैट The teeth of her friend look disgusting, totally disgusting. She caps off this amazing demonstration of friendship by saying that if the friend does not get herself together or does not groom herself, some other woman is going to uh, enter into the life and catch her husband's eye. सो द फ्रेज़ आप लोगों ने बीच में देखा होगा एक इरेलीवेंट सा फ्रेज बीच में आया है हरी अ प्लीज इट्स टाइम दो द फ्रेज हरी अ प्लीज इट्स टाइम इज़ अ स्टैंडर्ड इंग्लिश फॉर बार टेंडर्स टू से इन यू के वैन द बार इज गोइंग टू बी क्लोज फॉर द डे एंड इलियट यूज दिस फ्रेज एज अ रिफ्रेन एज रिपीटेड लाइन्स टू पंक्चुएट एंड इंटरप्ट द विमेंस डायलॉग्स तो वेमेन के डायलॉग्स के बीच में ये लाइन्स बहुत बार आती है बार बार आती है एंड द वेमेन डू नॉट लिसन टू दीज डायलाग they just continue their conversation so it is kind of a creepy refrain adding a sense of urgency and desperation that this woman does not seem to feel aur ye फ्रेज uh, uh जो है शायद यूज़ किया गया बार बार ये दिखाने के लिए कि इफ

इन लाइंस का थोड़ा सा कॉन्टेक्ट समझ लेते हैं हरी या प्लीज इट्स टाइम इलियट ने इस फ्रेज को अगर यूज़ किया है एक थोड़े से सीमिंगली मीनिंगलेस फ्रेज को अगर यूज किया है तो कोई ना कोई पर्पस तो रहा होगा इलियट कंटिन्यूज टू पोर्ट्रे द मीनिंगलेसनेस ऑफ द वर्ड्स इन सोसाइटी विद द फ्रेज हरी अ प्लीज इट्स टाइम इन दिस फ्रेज देर इज अ काइंड ऑफ मीनिंग वन इज द फ्रेजल मीनिंग एज इट सेज द बार इज अबाउट टू क्लोज एंड द बार्ट एंड वॉन्ट्स द लेडीज टू मूव फ्रॉम देयर द फर्स्ट वन इज दैट एंड द सेकेंड वन इज द इग्नोर Ignorance and disrespect in the society of the others. Uh, this phrase calls for people to leave a British pub, and in the poem, uh, the ladies still continue their chit chatting and they do not even listen to what the bartender is saying. Bartender is not listening to at all what the ladies are saying. So nobody is uh, doing anything to understand the pains, the dialogues of others. They are just doing what they have to do. This portrays individualism. इस पोट्री की ऑलमोस्ट लास्ट लाइंस गुड नाइट बिल गुड नाइट लॉ गुड नाइट मे गुड नाइट टाटा गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट लेडीज़ गुड नाइट स्वीट लेडीज़ गुड नाइट गुड नाइट अगर आप में से किसी ने हेमलेट की डीप स्टडी की है तो इन लाइंस को आप रिलेट कर पाएंगे ऑफेलिया के डायलॉग्स के साथ जो उसने ऑलमोस्ट बिल्कुल मरने से पहले बोले थे गुड नाइट लेडीज़ गुड नाइट स्वीट लेडीज़ गुड नाइट गुड नाइट Ophelia was the daughter of the king's counsellor Polonius and was courted by Hamlet prior to his father's death, or you can say father's murder by the hand of Hamlet. And she goes mad after Hamlet kills her, oh, kills her father Polonius. This even Ophelia turns mad and she sings songs about death and uh, maidens losing virginity, while she gives flaws to girls, and to end her songs, she always announces good night, good night, good night. तो अब देखते हैं हमारी इस पोइट्री में ओफेलिया का क्या रिलेशनशिप है लिल अरानिकली थैंक्स और फ्रेंड्स एंड एग्जिट्स द बार विद ओफेलियाज वर्ड्स इन हैमलेट गुड नाइट लेडीज गुड नाइट स्वीट लेडीज गुड नाइट गुड नाइट दीज वर्ड्स आर अटर्ड आफ्टर ओफेलिया सफर्स बाय द हैंड ऑफ़ हैमलेट्स रिजेक्शन एंड बिफोर हर सुसाइड बाय ड्राउनिंग दस थ्रू द एल्यूजन टू ओफेलियाज ट्रैजिक फेट एंड अर्लियर इन दिस एक्शन टू दैट ऑफ द क्लासिक्स डीडो एंड फिलोमेला The whole poetry points out to the male guilt, the male domination in the modern unhappy relationships. So, in these lines, uh, by making Lil utter these lines, maybe Eliot wants to say that male guilt has increased a lot in the society and every female is suffering like Ophelia we reach to the end of this section to watch the next section of the poetry you can click the link given over here please do not forget to share and subscribe the channel